हाउ आर यू। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। अभी आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 हो चुका है क्लास 10th के लिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024। विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी यू हैव टू अडॉप्टेड, कैसा स्ट्रेटेजी आपको रखना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि साइकोलॉजिकली एसएसटी हमें अच्छा नहीं लगता, एसएसटी में हम कैसे पास करेंगे या स्कोर अच्छा कैसे करेंगे। तो आज मैं हूँ आपके साथ एक एक्सप्रेस आपके यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो आपके अपने यूट्यूब चैनल एक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। आज मैं आपके साथ हूँ 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, बोर्ड एग्जाम अभी आने वाले हैं, आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। मीन्स अभी प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 में भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो नो डाउट घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ आपके साथ। तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिपरेशन का एक तरीका होता है 10th क्लास में, बोर्ड क्लास एसएसटी सब्जेक्ट सबसे इजी है। सही मायने में अगर एसएसटी सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे इजी है, मक्खन है एकदम, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। खास कुछ चीजें टॉपिक्स में बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी है। बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमारे एसएसटी में क्या होगा, 10th क्लास एसएसटी कैसे करेंगे। तो मैं अभी कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे फॉलो करना है, अभी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कुछ टिप्स अभी बता देता हूँ और एक बुक भी बता देता हूँ आपको अच्छी कहाँ से प्रिपरेशन करनी है कैसे करनी है। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कैसे आपको प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप करनी है, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बुक कहाँ से आपको कंटेंट पढ़ना है। तो बात करते हैं इसकी, शुरू करते हैं अपनी इस सेशन को। तो इससे पहले कि आप सभी लोगों के लिए, मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड भी किया हुआ है, मैप के मैंने वीडियोज अपलोड किए हुए हैं बहुत ही अच्छे ट्रिक्स वाले, वहां से आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की सीरीज भी मैंने डाउनलोड की है और ऐसे ही मैं आपके साथ रहूंगा बोर्ड एग्जाम के एसएसटी के पेपर तक, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको हर तरीके से मैं हेल्प करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि प्रिपरेशन। तो मोस्टली सबसे ज्यादा कंसर्न उन बच्चों का रहता है जो बच्चे बिल्कुल बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस है, स्लो लर्नर्स है, और वो ये कहते हैं कि हमारा लर्न नहीं हो पाता, राइट नहीं कर पाते, राइटिंग प्रॉब्लम होती है, लर्न नहीं कर पाते। तो वो सब प्रॉब्लम हम डिस्कशन करेंगे। तो एसएसटी में पास होने का तरीका क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भैया हमको पास कैसे होना है। पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर फर्स्ट मैं कुछ आपको 3 4 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, ये कर लीजिए, 4 या 5 पॉइंट्स आपको बताता हूँ, ये कर लो आप, आपका एकदम रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, नो डाउट। तो 4 5 पॉइंट्स में से क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है एसएसटी एग्जाम में आपको पास होना है, सबसे इजी चीज जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में एसएसटी की है सबसे इंपॉर्टेंट है, मैप वर्क सबसे इजी है। मैप वर्क, मैप वर्क को मैं बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के साथ करा रहा हूँ। हिस्ट्री के मैप वर्क का एक वीडियो अपलोड किया है, उसको देख लो, 100% गारंटी देता हूँ मैं, आपका मैप वर्क बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। तो आपका मैप वर्क जो होगा 2 मार्क्स का आएगा आपका ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री से, तो 3 मार्क्स का आएगा आपका ज्योग्राफी से। मैप की बात करें, हिस्ट्री में आपको पॉइंट लगा लगा आएगा, पॉइंट मेंशन होगा मैप में, आपको पहचानना है कौन सी जगह है। और सेकंड ज्योग्राफी में आपको मैप पॉइंट को फिल करना है, इसलिए आपको स्टेट्स के नेम याद होना बहुत जरूरी है। मैप के लिए जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी मैंने बनाया हुआ, आप मैप वीडियो में देख लीजिए, कंप्लीट मैंने उसको डिस्क्रिप्शन की दिया हुआ है, ट्रिक के साथ बताया, बहुत ही मस्त मस्त ट्रिक है, ये ट्रिक्स है, 5 में से 5 आएंगे। 5 क्वेश्चन पेपर बनाकर मैं आपके साथ लूंगा, 5 गैस पेपर, उन 5 पेपर को रट लेना, लर्न कर लेना, उन्हीं में से आपका मैप वर्क मिल जाएगा 90%। तो 90% पेपर मैप का वहां से मिल जाएगा। मैप वर्क के लिए भी मैं आपको बुक बता रहा हूँ कहाँ से मैप वर्क करना है। फर्स्ट हो गया मैप वर्क, सेकंड आपको करना है लॉन्ग क्वेश्चन, 10 से 15 लॉन्ग क्वेश्चन आप लर्न कर लो, 10 से 15 लॉन्ग क्वेश्चन लर्न कर लो, उसमें आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा, 20 मार्क्स के करीब आपका कवर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली आस्क 20 क्वेश्चंस, आप उनको प्री बोर्ड दिया, प्री बोर्ड 2 दिया आपने, मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ आपके प्री बोर्ड से पहले, डायरेक्टली आस्क टॉप 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क इन प्री बोर्ड, सॉरी इन बोर्ड एग्जामिनेशन, आप वहां से जाकर देख लीजिए, वो 20 क्वेश्चंस में से आपको 100% 20 to 25 मार्क्स का एग्जाम में मिलना ही मिलना है। और 25 लॉन्ग क्वेश्चंस है, 20 लॉन्ग क्वेश्चंस है, 25 20 मार्क्स का आपको वहां से मिल जाएगा, जाइए लॉन्ग कर लिए कंफर्म, वहां से आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट मैप वर्क हो गया, सेकंड आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, थर्ड आपको क्या करना है, थर्ड आपको
शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए मैं बता देता हूँ। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा, मेरे क्वेश्चन एडिटेड लिस्ट करके, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के, इकोनॉमिक के सभी क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। कुछ पैट क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज आएंगे, उनको थोड़ा देख लो, दो दो लाइन के क्वेश्चन है, थ्री थ्री लाइन के क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट है, तो उन सबको कर लो, वो हो जाएगा। थर्ड नंबर ये हो गया आपका। फोर्थ नंबर कुछ एमसीक्यू आते हैं, कुछ पैट एमसीक्यू आएंगे, जैसे अभी एक एग्जाम आया, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी, तो ऐसे कुछ पैट क्वेश्चन है एमसीक्यू में भी जो आते ही आते हैं। एमसीक्यू में आपका टारगेट रहना चाहिए 20 मार्क्स में से आपका 10 मार्क्स से कम टारगेट, बिल्कुल 10 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो आपका पास होना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एसएसटी में एमसीक्यू थर्ड नंबर पर, एमसीक्यू में आपको कितना लाना है, फोर्थ नंबर एमसीक्यू में कितना लाना है आपको, 10 मार्क्स आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ट्राई करना पूरे में से पूरे। तो फर्स्ट मैप 5 में से 5 नंबर आना चाहिए, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, 10 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, 10 से 15 जो रट्टा मार लो उनका, आपका एग्जाम वहीं से आ जाएगा। थर्ड शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, इसमें भी कुछ फिक्स क्वेश्चन है मैं आपको करा दूंगा। मैं फोर्थ नंबर हो गया आपका, फोर्थ नंबर आपका है कि आपको एमसीक्यू कौन से करनी है। फिफ्थ नंबर एंड द लास्ट नंबर इज पैराग्राफ। पैराग्राफ 12 मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स आपके कंफर्म है, पैराग्राफ को रीड करो, की पॉइंट निकाल लो, उसी की पॉइंट से देख कर उसको कर दो। तो 5 स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है एग्जाम क्रैक करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है आपको, बस मैप कर लो, 5 आउट ऑफ 5 हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल से देख लिया आपके कंफर्म आ जाएंगे। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ 100% आ जाएगा वहां से। थर्ड शॉर्ट वेरी शॉर्ट में से भी आपको 50% पेपर एज इट इज मिल जाएगा जो क्वेश्चन करूंगा। 3 स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लो, आपका एग्जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं बुक की, सबसे इंपॉर्टेंट बुक, सबसे बेस्ट बुक है ये, तो ये आप बुक ले लीजिए, एवरग्रीन की बुक आती है, तो ये सोशल साइंस की गाइड की फॉर्म की बुक है, 4.5 इसका एमआरपी है, 550 के करीब एमआरपी है, ये बुक ले लीजिए। मैप इस बुक का इतना अच्छा है, मैप दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए इस बुक का मैप, मैप इस बुक से बढ़िया किसी बुक का नहीं है, इसी बुक में से मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ आप सबको, ये देख लीजिए मैप इस बुक का सबसे एक्सीलेंट है, जानदार मैप है, इस बुक का मैप करा रहा हूँ मैं, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। 12 से 15 मैप है सारे के मैं ट्रिक के साथ अपलोड कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मैप वर्क मैं अपलोड करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, आपको सारा का सारा मैप वर्क यहाँ से मिल जाएगा। कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें कंटेंट देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं सारे, बोर्ड में आए क्वेश्चन है पूरा बुक, ये बुक आप ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, 100% यहाँ से मिल जाएगा। और अगर ये बुक नहीं परचेज करने का मूड है अभी, तो मैं हूँ, मैं इस बुक से सारा प्रैक्टिस करा दूंगा, और भी क्वेश्चंस जो भी होंगे इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिवाइज करा दूंगा, मैप वर्क पूरा करा दूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरी करा दूंगा, शॉर्ट वेरी शॉर्ट आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करा दूंगा, आपका 50+ मार्क्स का कंफर्म हो जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। घर पे क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बना लो, स्टडी टेबल के पास एक चार्ट बनाओ, चार्ट में क्या करना है, नंबर वन क्या राइट करना है, मैप वर्क टारगेट 5 आउट ऑफ 5, नंबर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन 4 के करीब रहते हैं आपके, लॉन्ग क्वेश्चन में कितना टारगेट होना चाहिए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिनिमम 5 5 मार्क्स के आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, 10 मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स का मैप हो गया 15, 10 मार्क्स आपका कहाँ से, एमसीक्यू से, तो 15 और 10 25 25, और 12 मार्क्स आपके हो जाएंगे, 12 मार्क्स किसके रहेंगे, पैसेज के, 12 मार्क्स वहां से आएंगे तो कितना होगा, 37, तो 37 मार्क्स आपका यहीं से हो गया है, तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट में से भी आपको कंफर्म हो जाएगा, 50+ मार्क्स की गारंटी देता हूँ। आप जिस तरीके से मैं बताऊंगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, घर पे लिख लो, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट एक चार्ट बनाकर स्लिप बना लीजिए, फर्स्ट मैप वर्क टारगेट, लॉन्ग क्वेश्चन टारगेट कितना, मिनिमम 10 मार्क्स, और एमसीक्यू टारगेट 10+, 3 चीजें राइट करके लिख लीजिए अपने टाइम टेबल के सामने, जहां भी आपकी स्टडी टेबल है, आपका कंफर्म 50+ स्कोर रहेगा, और किसी का भी स्कोर पुअर स्कोर नहीं रहेगा, एकदम बेस्ट चीजें वे में मैं आपको सब कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको कंप्लीट देखें, और बार बार रिवाइज करिए मैप, और कोई एक मैप को 5-5 बार भर के देखिए, बार बार फिल करिए, और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो, ऐसी ही एसएसटी की स्ट्रेटेजी कैसे प्रिपेयर करनी वीडियो के साथ मैं आपके साथ रहूंगा टिल द एसएसटी एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, आपको टिप्स दूंगा मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये जो टिप्स दी हैं इसको फॉलो कर लो, रट लो, लिख लो, टाइम स्लिप बना लो, और ये बुक ले लो,
और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसको देखना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।